जिस्मानी भुख मिटाण वास्ते एक एक्स सर्विसमैन नूं पला दित्ती एक वक्री दवाई जिस दे नाल उसकी जान चली गई ते हुण हो गया है मुकदमा दर्ज। यह खबर है माछीवाड़ा दी जिथे एक महिला नूं गिरफ्तार किया गया है। महिला ते इल्जाम है कि उसने अपनी जिस्मानी भुख मिटाण वास्ते उस नूं शराब दे विच एक दवाई मिला दित्ती जिसकी ओवरडोज दे नाल एक एक्स सर्विसमैन की मौत हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मसले दे विच मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले दे विच की कहना है मृतक दे पुत दा ते पुलिस अफसरां दा, आओ तुहानू दिखाने आ दैनिक भेल पंजाबी टीवी दे लई जितेंद्र पाल खेड़ दी रिपोर्ट। की नाम है तुहाडा? संदीप। अच्छा केड़ा पिंड है जी? बलियाल। अच्छा जिन्हां दी मौत हुई है तुहाडे की लगदे ने? मेरे फादर साहब ने। की मामला होया की है सर? इह कुछ नहीं, अपने मछवाड़े गए सीगे ते उत्थे उन्होंने कोई नशीली चीज़ शराब दे विच पा के देती, उस कारण मौत हो गई। किन्ना ने दिती जी? उत्थे सीमा नाम की एक औरत है। अच्छा, वो इन्हां दे की लगदे सी की करन गए सी? कुछ नहीं, वैसे ही गए सीगे, उन्होंने शराब दे विच पा के इन्हां नूं कोई नशीली चीज़ देती है। ये कदों की गल है जी? ये पर कल शाम की गल है जी। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7-10-15 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਲੀਆਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਤਨੀ ਰਾਮ, 50 ਸਾਲ ਦਾ। तो हले का कोई जजमेंट नहीं है कि किवें डैथ हुई है। तो कागजात तो लिखा हुआ है कि कोई जहर नशीले पदार्थ ना हुई है। बाकी तो बिस्तरा भेजा गए, लैब रिपोर्ट तो बाद ही दस सकते कि कारण है। सर कोई इंजरी वगैरह? कोई इंजरी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि कल एक मुकदमा दर्ज किया 302 का, परसों रात की ये अक्रेंस है। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਰਮਲਾ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਲਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ अपने मकसद लिए। शराब ते ड्रग अपने मकसद लिए दिती, उनकी बदौलत जिहड़ा ये गरीबदास फौजी है इनकी उन्होंने घर डैथ होगी। जदों डैथ होगी तो इन्होंने उनकी लाश घरों खिंच के बाहर एक खाली प्लाट सी बेबाद उन्दे विच सट्टी। तो जदों ये पुलिस नूं इनफॉर्मेशन मिली फौजी के वारसा तो इनके खिलाफ़ इन्हों दे असी 304 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀ।